स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार टू द ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी न्यूज़ हेडलाइंस न्यू अपडेट आ चुके हैं। कई सारे महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाई गई हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक भी खबर आपने मिस कर दिया तो बहुत बड़े अपडेट और फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहली खबर से। सबसे पहला न्यूज़ दोस्तों मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे 8,000 अतिथि, खास दाल रायसीना परोसी जाएगी। नरेंद्र मोदी के दूसरे काल के शपथ ग्रहण समारोह में बृहस्पतिवार को BVIP सहित 8,000 अतिथि लोग शामिल होंगे। अब तक यहां सर्वाधिक संख्या होगी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की मेजबानी वाले रात्रि भोज में विदेशी गणमान्य लोगों को राष्ट्रपति भवन रसोई का खास व्यंजन दाल रायसीना परोसा जाएगा। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता अशोक मालिक ने बुधवार को बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1.5 घंटे का समय होगा और इसमें बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष को जो है इसमें बुलाया गया है और लगभग पहली बार इसमें 8,000 अतिथि ग्राहक जो है इसमें शामिल होंगे। बृहस्पतिवार को 7 बजे यहाँ प्रोग्राम होगा। बिम्स्टेक के देश है दोस्तों जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद कारजई, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली, म्यांमार के राष्ट्रपति यूविन माइन, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने भी समारोह में शामिल होने की पुष्टि की है। थाईलैंड के विशेष राजदूत डूजी बुनचांग अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्य विपक्षी दलों की पार्टी में भी शामिल होने की संभावना है दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। न्यूज़ दोस्तों आपकी लाडली के लिए खतरनाक है मोबाइल यूज़ करना, WHO ने जारी किया चेतावनी। अगर आप भी अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं तो आपकी यहाँ आदत आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा माता पिता बच्चे को व्यस्त रखने के लिए अक्सर उनके हाथ में फ़ोन थमा देते हैं या फिर उन्हें TV के सामने बैठा देते हैं। तो अगर आप भी ऐसे रोते हुए बच्चे को चुपचाप कराने के लिए इस टाइप का हथकंडा अपनाते हैं तो यहाँ जो है खतरनाक है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन टाइम निर्धारित कर दिया है। अब तक लोगों को सिर्फ ये माना जाता था कि स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय बिताने से आंखें खराब होती हैं, लेकिन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इसके परिणाम ज़्यादा खतरनाक है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को निर्धारित समय से ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनके शारीरिक और मानसिक विकास को सीधा प्रभावित करता है। इस रिपोर्ट में WHO ने माता पिता और अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल फ़ोन, TV स्क्रीन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखने की सलाह दी है। WHO की रिपोर्ट कहती है दोस्तों 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है 0 स्क्रीन टाइम निर्धारित किया गया है। 2 साल के बच्चों के लिए 1 घंटे, 3 से 4 साल के बच्चों के लिए 2 से 3 घंटे जो है ये निर्धारित किया गया है। आप लोग इसके डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। एक बार नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार का फैसला किया लागू, दिल्ली में अब आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू होगा। दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण के मोदी सरकार के फैसले को जो है मंजूरी दे दी है। एक फरवरी के बाद निकली भर्तियों पर यहां लागू होगा। दिल्ली में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के फैसले को लागू किया है, 1 फरवरी और उसके बाद निकली सभी नौकरियों में लागू किया जाएगा। तो इसके बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हो जान सकते हो दोस्तों। जो नेक्स्ट न्यूज है वो किसानों से रिलेटेड है। किसान सम्मान निधि स्कीम के बाद अब अन्नदाताओं को पेंशन देगी नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि देश में 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान परिवार हैं। बीजेपी ने लोकसभा में 2019 के लिए अपने संकल्प पत्र में 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने का वादा किया था, तो मोदी सरकार ये लागू कर रही है। इसके बारे में लिखा है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम के जरिए लोकसभा चुनाव में देश में 12 करोड़ किसान परिवारों को साधने के लिए अब नरेंद्र मोदी सरकार अन्नदाताओं के लिए एक बड़ा दाव चल रही है। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में इसका वादा किया था, अगर इसे लागू किया जाए तो बुजुर्ग किसानों को पेंशन मिलेगी। कुछ राज्यों में इस तरह की स्कीम है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई योजना नहीं है जो कि अन्नदाताओं को सामाजिक सुरक्षा दे। किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सरकार 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना दे रही है। अब 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देकर सशक्त किया जाएगा। बीजेपी ने कहा है हम नीतियों के जरिए किसानों को सशक्तिकरण करेंगे। पार्टी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि जो भी वादे किसानों के लिए किए गए हैं वहाँ सभी लागू होंगे। तो इसको डिटेल्स में तो आप पढ़ सकते हो, तो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, गरीब किसान महिलाओं को 5 किलो का गैस सिलेंडर देगी मोदी सरकार, यह है वजह। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 5 किलो का गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू कर दी गई है। इस योजना में लाभान्वित की संख्या बढ़ाने के लिए 2020 तक 8 करोड़ घरों का लक्ष्य तय कर दिया गया है और विस्तार के लिए नियमों में ढील देते हुए अब सरकार 5 किलोग्राम के LPG सिलेंडर का विकल्प भी इस योजना में शामिल कर रही है। इसने सुविधा का संकेत देते हुए सामाजिक क्षेत्र की एक आयल मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी ने बताया कि उज्ज्वला के तहत LPG सिलेंडर साल में औसतन 3 बार ही भरे जा सकते हैं जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 7 का है। तो इसका कारण शायद सिलेंडर की कमी है, क्योंकि टाफली
लेटरिन मुक्त नहीं है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि 5 किलो के सिलेंडर के इस्तेमाल से स्थिति बदल सकती है। बता दें कि मोदी सरकार का उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जाने का लक्ष्य रहा है। अब तक 7 करोड़ 19 लाख कनेक्शन बांटे जा चुके हैं और 30 मई को के बाद 100 दिनों के अंदर 81 लाख कनेक्शन और बांटे जाएंगे। एक बार यह लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद योजना के तहत 5 किलोग्राम सिलेंडर के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अनपढ़ हैं तो अब नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों ये खबर राजस्थान हाईकोर्ट से आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अनपढ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस न दिए जाने का निर्देश दिया है। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट ने यहाँ फैसला दिया है कि जिसके पास या जो अनपढ़ लोग हैं उनको लाइसेंस उनसे वापस लिया जाए। हाईकोर्ट ने यहाँ फैसले में कहा कि अनपढ़ ड्राइवर पैदल चलने वालों के लिए खतरा है क्योंकि वे सड़कों और चौराहों पर लगे साइन बोर्ड्स और चेतावनी को नहीं पढ़ सकते। ऐसे में उनसे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वापस लिया जाएगा। और इसके और डिटेल्स में लिखा है कि पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति को ही मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस। बता दें कि कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वो मामले के लिए एक गाइडलाइन तय करें और पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बताया कि जो है अनपढ़ लोगों को हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जारी करने की मांग की गई थी लेकिन उसे मना कर दिया गया। लोगों की सुरक्षा के खिलाफ के लिहाज से यहाँ फैसला उठाया गया है। जो भी सरकार ने जो फैसला उठाया वो लोगों की जान को ध्यान में रखते हुए उठाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल का है। तूफान की चपेट में अमेरिका, इस बार टूट सकते हैं सारे रिकॉर्ड, चेतावनी जारी कर दी गई है। तो अमेरिका में आए 23 तूफानों के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इसकी वजह कुछ स्थानों पर इमरजेंसी तक का ऐलान कर दिया गया है। इससे इसके बारे में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उनके मुताबिक इस बार तूफान के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में टोर्नेडो के बढ़ने की चेतावनी दी गई है। इस तूफान का अधिक प्रभाव अमेरिका के मिडवेस्ट में देखा गया। यहाँ पर सैकड़ों लोग इसी वजह से घायल हुए हैं और हजारों की संख्या में घर और पेड़ उखड़ गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल इसके कहर से जल्द निजात मिलने की संभावना कम है। तो इसको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, दिल्ली सरकार ने लागू किया मोदी का फैसला, EWS को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। तो आखिरकार केजरीवाल सरकार ने लागू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग ने सभी सीधी भर्तियों में आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10% आरक्षण का निर्देश जारी कर दिया। यह आदेश इस साल फरवरी में प्रभावी होगा। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय बैठक ने EWS को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने को भी मंजूरी दी थी। यह अग्रणी जातियों की एक मुख्य मांग थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्याज की कीमत ने फिर निकाले लोगों के आंसू, टमाटर ने भी किया लाल। तो प्याज और कीमत जो टमाटर के रेट हैं वो बढ़ गए हैं। मौसम की मार की वजह से सब्जियों की कीमत में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई मीडिया के मंडियों के प्याज के दाम तकरीबन दोगुने हो गए हैं। हैरानी की बात है कि आवक कम नहीं होने के कारण दाम 10 से 15 रुपये किलो से बढ़कर 25 से 30 रुपये किलो हो गए हैं। वहीं टमाटर भी हाफ सेंचुरी लगा दिया, तकरीबन सब्जियों की कीमतों में 20% बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं इसका कारण मौसम की मार के चलते किसानों के खेती में सब्जियों का उत्पादन घट गया है। इसका असर मुंबई, पुणे, नासिक और पड़ोसी राज्यों पर आने वाले दिनों में पड़ सकता है। मई का महीना है, गर्मी के साथ ही सब्जियों में भी अपना पारा चढ़ गया है जिससे आम आदमी को मजबूरी में ठंडा पड़ गया है। इसका सीधा असर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों को पड़ रहा है। तो इसके बारे में जो डिटेल्स में दोस्तों ये पढ़ सकते हो आप लोग। कुछ दिनों पहले 20 रुपये में 1 किलो मिलने वाला टमाटर इन दिनों 40 से 50 रुपये किलो मिल रहा है। टमाटर के साथ खाने वाली सामग्री सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो है टमाटर, 20 किलो टमाटर पहले थे और अभी उनकी कीमत जो है बढ़ गई है। इसके साथ ही दोस्तों आज के प्रमुख समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं और दोस्त जिससे कि इनका फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।